आप सभी का आपके चैनल अनीता के इंडियन रसोई में सभी का स्वागत है। तो आज बनाएंगे हम लच्छेदार परौंठा, सब्जियों वाला लच्छेदार परौंठा। यह बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने नॉर्मली आटा लगा लिया है। जैसे हम नॉर्मली आटे में आलू मेथी की सब्जी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह से उसको गूंथ लिया आटे को, जैसे नॉर्मली आटा गूंथते हैं हम। तो इसमें आधा चम्मच ऑयल लगा के इसको ऊपर नीचे सेट करके रख देंगे ताकि आटा जो है हमारा सूखे ना। इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही आटे को ढक के रख देंगे। दस मिनट बाद हमने इसकी लोइयां बना लेनी है आटे की। लोइयां हमने थोड़ी सी नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे हम थोड़ी सी मोटी लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे परौंठा बनाना है। तो इसको हम बेल लेंगे अभी। ना ज़्यादा मोटा बेलना है हमने, ना ज़्यादा पतला बेलना है। नॉर्मली जैसे बेलते हैं हम परौंठा बनाते हैं उस तरह से हमने लंबा लंबा इसको बेल लेना है गोल शेप में। अब इसके ऊपर हम आधा चम्मच देसी घी का लगाएंगे, चारों तरफ फैला देंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखा आटा फैला देंगे। अब हम ऊपर नीचे करके इसके प्लीट्स बनाएंगे। एक ऊपर की तरफ प्लीट्स, एक नीचे की तरफ प्लीट्स, ऐसे फोल्ड करके हम 5-6 प्लीट्स बना लेंगे अपनी। बीच बीच में थोड़ा सा हाथों पर भी सूखा आटा लगाते रहेंगे, क्योंकि सब्जियों वाला परौंठा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा खींचेंगे। और फिर इसको गोल गोल शेप में हम इसका पेड़े की तरह बना लेंगे। इसको सेट करके अब हम सारे पेड़े इसी तरह से बना के 10 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद अब हम इसको बेलने से इसका परौंठा बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है हमने, ज़्यादा परौंठे पे दबाव नहीं देना, तभी हमारे लच्छे अच्छी तरह से खुल के बाहर आएंगे। हल्का हल्का ऊपर नीचे सूखा आटा लगा लेंगे। मार्केट में तो ये बहुत महंगा मिलता है, तो घर पे बनाइए और जैसे आपका मन करे वैसे आप इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। चाहे सिंपल नून मिर्च वाला परौंठा भी बना सकते हैं, चाहे सब्जियां डाल के भी बना सकते हैं। जैसे आपका मन करे वैसे आप इसी ढंग से परौंठी बना सकते हैं, लच्छेदार परौंठी। इस तरह से हमने अपने सारे परौंठे बेल लिए हैं। तो गैस ऑन करके अब तवे पे फैला दिया है मैंने, उसको पलट देंगे। जब नीचे वाला सिक जाएगा तो अब ऊपर हमने आधा चम्मच ऑयल या देसी घी डालिए। बारी बारी से इसको पलटते रहेंगे। बहुत इजी रेसिपी है ये, घर पे जरूर ट्राई करिए। ये देखिए प्लेट्स हमारे खुलने शुरू हो गए हैं।
तो इस तरह से हम अपने सारे परौंठे तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितने प्लेट्स निकल रहे हैं इसके, 7-8। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।